नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1,00,000 के इनामी नक्सली तूफान उर्फ किशोर चंद किस्कू को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। नक्सली पर एक दर्जन से भी अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। बता दें कि पुलिस को इस नक्सली की लंबे समय से तलाश थी और आखिरकार पुलिस ने इसे धर दबोचने में कामयाबी हासिल की। पिरटाड़ थाना क्षेत्र से इस नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, गिरिडीह के पिरटाड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक नक्सली को धर दबोचा है जो 1,00,000 का इनामी नक्सली है। लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी और अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई मामले इस नक्सली पर दर्ज हैं। आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 1,00,000 के इनामी नक्सली को धर दबोचा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गिरिडीह से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज 11 भारत पर। 1,00,000 का इनामी नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तूफान नाम से ये कुख्यात था। किशोर चंद किस्कू इसका नाम है, जो नक्सली संगठन में सक्रिय सदस्य के तौर पर जुड़ा हुआ था और इसे आखिरकार पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। इस कुख्यात नक्सली पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी और आखिरकार गिरिडीह से पुलिस ने इसे धर दबोचा। गिरिडीह के पिरटाड़ थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक दर्जन से अधिक मामलों में वांछित कुख्यात नक्सली तूफान को धर दबोचा है। लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज 11 भारत पर। गिरिडीह पुलिस ने कुख्यात नक्सली तूफान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। में तोपचांची एवं कुंडी क्षेत्र में इनका काफ़ी एक्टिविटी पूर्व में रहा है। इनके देखे जाने की सूचना मिलने के उपरांत इनको अरेस्टिंग के लिए टीम बना के गिरफ्तार किया गया है। इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। इनके विरुद्ध पूर्व में काफ़ी सारे केसेस भी रह चुके हैं जिनका जिक्र आपके साथ शेयर किया गया है प्रेस विज्ञप्ति के अनुरूप। पीरटाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मानछीडी करके जो जगह है वहाँ से इनकी गिरफ्तारी की गई है। सब कुछ कुछ बरामदगी भी हुई है? नहीं, साथ में बरामदगी नहीं है, परंतु ये इनामी रहे हैं। इनके ऊपर 1,00,000 का। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं अरविंद। 1,00,000 का इनामी नक्सली तूफान आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया, क्या और जानकारी है इस बारे में? देखिए, मैं बता दूं कि तूफान और किशोरचंद किस्कू और कई नामों से जाना जाता है। इसके विरुद्ध टुंडी, तोपचाची, पीरटा समेत अन्य थानों में कई नक्सल वारदात से संबंधित मामले दर्ज हैं और पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। ये अलग अलग नाम बदलकर रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक होटल के समीप तूफान उर्फ किशोरचंद किस्कू मौजूद है, तो पुलिस ने जाल बिछाया था और चारों तरफ से घेराबंदी करके उसकी गिरफ्तारी की गई। एक बड़ी गिरफ्तारी मानी जा सकती है। कहा जा सकता जो मारक दस्ता था इस क्षेत्र में उसका सदस्य बताया जा रहा है। तो पुलिस को कई और राज उगले हैं, तो निश्चित तौर पर इसकी गिरफ्तारी से न सिर्फ पुलिस को उपलब्धि मिली है बल्कि इसके पूछताछ से जो जानकारियां मिली है उससे कई और उपलब्धियां पुलिस को मिल सकती है। जी अरविंद, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए।